गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, एज यू ऑल नो डैट जस्ट बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ COVID-19 एंड द कम्प्लीट लॉकडाउन आर्क इंग्लिश क्लासेज हैज ऑर्गेनाइज ऑनलाइन क्लासेज फॉर यू सो डैट यू कैन कंटिन्यू टू स्टडी विदाउट एनी प्रॉब्लम. माई डियर स्टूडेंट, टूडे इन इंग्लिश वी विल रीड अ क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3 एंड द पोएम नेम इज नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट. यानी चैप्टर 3 का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे. पोएट्री सेक्शन है. क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 7 है. आइए हम लोग वन बाय वन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज द पोएट मीन When he says, now the leaves are falling fast, कवि का क्या अभिप्राय है जब वह कहता है पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं. आंसर होगा the poet mean to says when he say, now the leaves are falling fast is that the life of the people running out fast. कवि के कहने का मतलब है जब वह कहता है अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, यह कि लोगों का जीवन तेजी से गिर रहा है. मतलब लोगों का जो जीवन है एक एक दिन मृत्यु लोग की तरफ पहुंच रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव. कब्र में जाने की हम अपने जीवन की अंतिम यात्रा कैसे पूरी करते हैं. आंसर होगा आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव विल बी फुल ऑफ ऑब्स्टेकल. हेयर ऑब्स्टेकल मीन्स फिजिकल डिक्लाइन, डिप्रेशंस, रेस्टलेसनेस इटीसी. बट डिस्पाइट ऑफ थाउजेंड्स ऑब्स्टेकल्स देयर मस्ट बी सम रिलीफ एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम. कब्र की ओर हमारी आखिरी यात्रा बाधा से भरी होगी. यहाँ बाधा का मतलब शारीरिक गिरावट, अवसाद, बेचैनी आदि है. लेकिन हजारों बाधाओं के बावजूद कुछ समय के लिए कुछ राहत अवश्य होगी. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू ट्रोल्स डू इन द लीफलेस वुड. आत्माएं शुष्क वन में क्या करते हैं. आंसर होगा द ट्रोल्स रन एस्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन लीफलेस वुड. हेयर ट्रोल्स मीन्स डिफिकल्टीज एंड लीफलेस वुड मीन्स होपलेस लाइफ. आत्माएं चीखती पुकारती दौड़ रही है शुष्क वन में भोजन के खोज में. यहाँ ट्रोल्स का मतलब है कठिनाइयों और लीफलेस वुड का मतलब है निराशाजनक जीवन. क्वेश्चन नंबर 4. हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड. यात्री कौन है और उनको वरदान कैसे प्राप्त होगा. आंसर होगा वी ह्यूमन आर द ट्रेवलर्स एंड वी विल ब्लेस्ड बाई डेथ. हम मनुष्य यात्री हैं और हम मरने के बाद सौभाग्यशाली होंगे. क्वेश्चन नंबर 5. हु आर द विस्परिंग नेबर्स. यमराज कौन है. आंसर होगा द विस्परिंग नेबर्स इज एन एंजल और मैसेंजर ऑफ डेथ. द विस्परिंग नेबर्स एक मृत्यु का संदेशवाहक या फरिश्ता होता है. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज ए ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल. मानव जीवन कष्टदायक कैसे बन जाता है. आंसर होगा व्हेन द ह्यूमन स्टार्ट लविंग दिस फैक्टिटस वर्ल्ड देयर लाइफ बिकम मिजरेबल. जब मनुष्य इस नकली दुनिया से प्यार करना शुरू कर देता है तो उनका जीवन दुखी हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. इन व्हाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड. यात्री किस प्रकार दुख से मुक्त होंगे. आंसर होगा इफ द ट्रेवलर्स लिव देयर लाइफ विद ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी देन देयर लाइफ विल बी ब्लेस्ड. यदि यात्री सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जीता है तो उसका जीवन यानी उसके जीवन को सौभाग्य प्राप्त होगा. सो माई डियर स्टूडेंट, तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3. नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट.
ये बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। इसमें लगभग आपका 7 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक पे और एग्जाम का तैयारी भी कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।